नमस्कार, टीम परीक्षा प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल से हाई कोर्ट आरओ एआरओ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इस संबंध में लगातार आपका मार्गदर्शन जो है वो हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो आप लोगों में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न या सबसे बड़ी परेशानी है वो टाइपिंग के संबंध में है। तो टाइपिंग के संबंध में वैसे मेरे द्वारा दो वीडियोज़ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लें, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है या जो बेसिक डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। इसके लिए आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल परीक्षा प्लस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस संबंध में या और एग्ज़ाम्स के संबंध में जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं या जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। आज मैं जो बात करने वाली हूँ टाइपिंग से रिलेटेड, वो उन बातों पर चर्चा करने वाली हूँ जो आपको परीक्षा हॉल में जाकर ध्यान रखने हैं, या फिर कुछ ऐसी सावधानियाँ जो आपको परीक्षा हॉल में जाकर बरतनी है या उनको आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं। पहली चीज़, जैसे कि आपको पता है कि टाइपिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पर होने वाली है। सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग का क्या मतलब होता है? अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे और मेरे द्वारा बताई गई जो साइट्स हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पर अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग का तरीका क्या होता है। फिर भी आपको बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर पर क्या होता है कि इस तरीके से स्क्रीन पर एक ब्लॉक बना हुआ होता है। इसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर पूरा मैटर शो कर रहा होता है और एज इट इज़ आपको नीचे देखकर इस स्पेस पर मैटर को टाइप करना होता है। जो जिस तरीके का मैटर आपको दिख रहा होता है ऊपर, वैसे ही आपको मैटर टाइप करना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर क्या है कि ये हाई कोर्ट की टाइपिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 500 वर्ड्स का मैटर आपको दिया जाएगा, तो 500 वर्ड्स जो हैं वो इतने से ब्लॉक में एक साथ आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। अन्य एग्ज़ाम में क्या होता है या सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आप जैसे जैसे मैटर को आगे टाइप करते जाते हैं, मैटर आगे बढ़ता जाता है और नीचे जितना भी मैटर है वो आपके सामने आता रहता है। लेकिन हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में जब आप टाइपिंग करने जाएंगे तो इतनी रेंज में जितना मैटर आ जाएगा, उसके बाद आपको नीचे का मैटर देखने के लिए उसे माउस की सहायता से स्क्रॉल करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस 500 वर्ड्स की लिमिट में कम से कम आपको 2 से 3 बार करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को करने में होता क्या है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होगी कि आपको ये प्रोसेस करनी है तो आप इस चीज़ को वहाँ पर बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एक चीज़ प्रॉब्लम एक और आती है कि जब हम इस तरीके से मैटर को स्क्रॉल करते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट लाइन हम टाइप करते हैं वो अक्सर हमसे मिस हो जाती है। तो अगर हमने लास्ट वाली लाइन को सपोज टाइप किया और नीचे वाली लाइन हम भूल गए और जस्ट नीचे वाली लाइन एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन को टाइप कर दिया, तो वो पूरी लाइन हमसे मिस हो जाएगी। और यहाँ आपको पता है कि आपको इस एग्ज़ाम में, आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये टाइपिंग के जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो हमारी फाइनल मेरिट में जोड़े जाने हैं। तो इस तरीके की गलती अगर आपसे वहाँ पर होती है तो ये हम पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम मैटर टाइप करें तो कोई भी लाइन हमसे मिस ना हो। इसके लिए करना कुछ नहीं है, फुल कॉन्सेंट्रेट होकर आपको टाइपिंग करनी है। ज़रा सा भी घबराना नहीं है, 20 मिनट का समय आपको दिया गया है। आराम से अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 500 वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। तो ज़रा भी परेशान नहीं होना है और बहुत आराम से टाइपिंग करनी है। दूसरी चीज़ ये कि वर्ड हाईलाइट वाली एक प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट या UP SSC के अन्य एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि जब आप टाइप करते जाते हैं तो जो वर्ड आप सही टाइप करते हैं वो ग्रीन रहता है और जो वर्ड आप गलत टाइप करते हैं वो रेड कलर का हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में आपको ये पता नहीं चलता है कि आपने कौन सा वर्ड सही टाइप किया है और कौन सा वर्ड गलत टाइप किया है। वहाँ आप जो मैटर टाइप करते जाते हैं वो आपको वहाँ पर उसके लिए कोई भी हिंट नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ आपको खुद से ध्यान रखनी है कि आप जब टाइप करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप
कम से कम गलतियां करें, वहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई हिंट नहीं दी जा रही है, तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। एक चीज और कि कैप्स लॉक के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि कैप्स लॉक वहां पर अलाउ होता है या नहीं होता है, तो जी हाँ, कैप्स लॉक वहां पर अलाउ है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में कई वर्ड्स इस तरीके के आते हैं, कई बार पूरी पूरी लाइन जो है वो कैपिटल में लिखी हुई होती है, जिसके लिए हमें कैप्स लॉक ओपन करना ही पड़ता है। तो इस तरीके के अगर ऑर्डर्स आपको मिलते हैं जहां पर सारी पूरी की पूरी लाइन ही कैपिटल में लिखी हुई है, तो आप कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दो वर्ड्स इस तरीके के आते हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कैप्स लॉक का यूज़ जो है वो ना करें और शिफ्ट के बटन के साथ काम चला लें, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एक मेन सबसे बड़ी क्वेरी रहती है वो बैक स्पेस को लेकर रहती है, तो देखिए बैक स्पेस यहाँ पर अलाउ है, कोई समस्या नहीं है, आप जितनी बार भी चाहें बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी पूरी लाइन जो आपने लिखी हुई है उसे भी आप हटा सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं, लेकिन बैक स्पेस का यूज़ बार बार करने से होता क्या है कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जितने वर्ड्स हमें दिए गए हैं फिर हम उसे पूरी तरीके से टाइप नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में ये बोला था कि टाइपिंग करते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करें, और एग्ज़ाम हॉल में तो आप पूरी कोशिश करिए कि बैक स्पेस जितना कम हो सकता है उतना कम यूज़ करें, ठीक है। एक चीज़ और कि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या आप लोग जैसे फाइनल टाइप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका मैटर कितना सही टाइप हुआ या आपने सही टाइप किया या नहीं, आपकी स्पीड कितनी आई। तो देखिए हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि UP SSC के एग्ज़ाम में होता है कि आप जब मैटर को टाइप कर लेते हैं उसके बाद आपका टोटल WBM और टोटल सही वर्ड्स आपने कितने टाइप किए ये शो कर जाता है, लेकिन इस परीक्षा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आप 20 मिनट की टाइपिंग एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर खुद ब खुद लॉक हो जाएगा, देन आपने जो मैटर टाइप किया है वो आपके सामने शो कर जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। आपने कितना सही टाइप किया या आपके मार्क्स कितने बने ये सब आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और टाइपिंग के संबंध में ऐसा कुछ घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से टाइप कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कल से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी और पूरी परीक्षा प्लस टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अभी भी आपको कोई भी किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आगे भी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद।